राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी ब्रजातियों को प्रणाम। श्री कृष्ण को 5,500 वर्ष से अधिक हो गए। प्रकट लीला जब उन्होंने यहां किया था, और आज भी वो परंपरा, वो लीला चल रही है। चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि भगवान की लीला नित्य होती है। किसी ने हमसे पूछा या हमारे जो गुरु महाराज थे उनसे पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि कृष्ण है यहां। पुस्तकों का प्रमाण लोग सब नहीं मानते, आस्तिक लोग मानते हैं। जो आस्तिक हैं, जिनकी श्रद्धा है, नास्तिक लोग नहीं मानते। वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं कि हमको तो आंखों देखा प्रमाण बताओ, भगवान है, कृष्ण है, इसका प्रमाण हमें दो, प्रत्यक्ष प्रमाण दो। तो उसका उत्तर दिया था हमारे बाबा ने, ये जो परंपराएं चल रही हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये चल रही हैं और चलती रहेंगी, तुम मानो या ना मानो। इसका कोई महत्व नहीं है। कोई आदमी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता कि हम अपने पिता के लड़के हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण होता है आंखों देखा। तुम अपने पिता के लड़के हो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? कुछ नहीं है। भले ही तुम्हारे पिता सच्चरित्र होंगे, तुम्हारी माँ सच्चरित्र होगी, लेकिन तुम्हारे सामने तो उनका संयोग नहीं हुआ है। तुम थे ही नहीं उस समय, विवाह के समय। तो संसार का कोई आदमी भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता कि हम अपने पिता के ही लड़के हैं। वैसे ही हर बात का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता है। और मिलता है तो यही मिलता है
कि जो परंपरा चल रही है ये क्यों चल रही है। इसके पीछे कुछ सच्चाई है, इसलिए चल रही है। यहां ब्रज में श्री कृष्ण ने हर गांव में लीला किया है, ये एक सच्चाई है। हर गांव का नाम, हर गांव की परंपरा जैसा उस समय था वैसा ही चल रहा है। वर्षाणा गांव का नाम बरसाना अपभ्रंश है और वर्षाणा सा का अपभ्रंश बना है बरसाना। वर्षाणा नाम क्यों पड़ा? वृष्ट वर्षणे धातु से और शानच प्रत्यय करके वर्षाणा नाम पड़ा। जहां रस बरसता था हर समय उसका नाम बरसाना है। वो नाम बताता है कि वो वहां जब भी बरसता था और अब भी बरस रहा है और आगे भी बरसेगा। चाहे बाधाएं आईं, मुसलमानों के समय में उन लोगों ने सोचा कि हम हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। शक्ति के प्रभाव से, तलवार के प्रभाव से सब मंदिर तोड़ दिए उन्होंने। ऐसा विनाश किया जो आज तक संसार के इतिहास में नहीं है। छोटे छोटे गांवों में जितनी मूर्तियां तोड़ी गईं, अभी कुछ दिन पहले हम लोग हनुमान जी ब्रजवासी थे, यही ब्रज में ही उनका जन्म हुआ था। इस बात को लोग नहीं जानते हैं। दूसरा खंड जो अब छपेगा, बना नहीं है, उसमें ये सब बातें लिखी जाएंगी। बहुत से स्थल ऐसे हैं जिनको आज तक लोग समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। हम कैसे जाने? पुस्तक से। हमने पुस्तकों में पढ़ा था कि ब्रज में ही अंजनी कुंड है, अंजना पर्वत है। बासठ साल हो गए हमको यहां आए, 62 years। के बाद में जाकर के वो मिला हमको स्थल अंजना कुंड, जहां हनुमान जी पैदा हुए थे और जहां से उन्होंने
पर्वत से उछल करके सूर्य को निगल लिया था। बच्चे थे, भूख लगी थी, सूर्य निकल रहा था लाल लाल, बंदर का स्वभाव होता है फल खाने का। हनुमान जी उस पहाड़ से उछले हैं, वहां घुटनों के चिन्ह हैं, वहां से उछले हैं, वो चिन्ह आज तक हैं वहां। वो चिन्ह छापे जाएंगे अभी जब पुस्तक बनेगी, द कमिंग पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ब्रज यात्रा। जिसको आज तक लोग जान नहीं पाए भारतवर्ष में, और आश्चर्य है कि उस उधर के गांवों को सब मुसलमान बना दिया गया। इस्लाम का इतना प्रभाव पड़ा, उन्होंने कहा सबसे पहले ब्रज को नष्ट करो, सबसे पहले मथुरा वृंदावन नष्ट करो। आज भी यहां 8 करोड़ से ज्यादा यात्री हर साल आते हैं। ये ब्रज भूमि है, भारतीय संस्कृति का मुख्य केंद्र है। ये वही स्थल है जहां पर श्री कृष्ण प्रकट भये। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽहम्, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। मैं अजन्मा हो करके भी अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के संभवामि प्रकट होता हूं। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा हूं, हमारे स्वरूप में व्यय नहीं है, घटना बढ़ना जीना मरना ये सब नहीं है, इसको अव्यय आत्मा कहते हैं। व्यय वि उपसर्ग है, आय गतौ धातु है, चला जाना इसको व्यय कहते हैं, आय आ जाना आमदनी, व्यय चला गया खर्च करके व्यय। मैं अव्यय हूं। अर्जुन से बोले भगवान 4th अध्याय में, अर्जुन मैं अजन्मा हूं, शायद 6th श्लोक होगा, अजोपि अजन्मा हूं, कभी जन्म नहीं लेता हूं। और अव्ययात्मा हूं, कभी घटता बढ़ता नहीं, मृत्यु वगैरह नहीं है हमारे पास। फिर भी ऐसा क्यों हूं, ऐसा सब नहीं हो सकते, क्योंकि भूतानाम ईश्वरोपिसन, मैं अनंत प्राणियों का ईश्वर हूं। इसलिए मैं
अपनी प्रकृति निज योग माया शक्ति का आश्रय लेकर के संभवामी प्रकट होता हूं, क्यों प्रकट होते हो? यदि मैं न हूं तो धर्म का नाश हो जाएगा। मैं न हूं तो कोई भी सत्पुरुष संसार में नहीं रहेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्। धर्म का नाश होता है उसको बचाना, अधर्म का बढ़ना रोकना, तब मैं अपने आप को सृजामि रचता हूं। अपने आप को रचता हूं, बनाता हूं। लोग हमारी बधाई गाते हैं, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ये बात सही है कि मैं अपने आप को अपनी रचना करता हूं, बनाता हूं। क्यों बनाते हो? परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संसार में हर चीज नष्ट हो रही है, क्योंकि इसका स्वभाव है संसार का। क्यों नष्ट हो रही है? संसरत इति संसार, हर चीज सरक रही है, जा रही है। थोड़ी देर में हम लोग भी नहीं रहेंगे, थोड़ी देर में यह मकान भी नहीं रहेगा, थोड़ी देर में शहर भी नहीं रहेगा, क्योंकि संसार है, जाता रहता है, हर समय जा रहा है। गच्छति इति जगत, तो धर्म भी जाता रहता है। हर युग में धर्म की स्थापना करता हूं मैं ही। भगवान ही आचार्य बनते हैं, संतों की रक्षा करते हैं। ये सब क्यों होता है? संसार का स्वरूप है। और जब मैं अवतार लेता हूं तो उसको लोग जान नहीं पाते। मेरा जन्म, मेरी लीला दिव्य होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वैत्य तत्वतः। जो जान गया मेरे जन्म को और मेरी लीला को, त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं, उसका फिर से जन्म नहीं होता है। क्या होता है? मामेति, मेरे पास आ जाता है। इसके माने मेरे पास आने का मतलब, अब तुम्हारा न जन्म होगा न मृत्यु होगी, ये झगड़ा खत्म हो गया। तुम मेरे पास आओगे, हमारे जन्म को, हमारे कर्म को जानो, जानो और मानो।
जिस बात को हम जान जाते हैं उसको मानते हैं और मानने के बाद उसको करते हैं। एक फिलॉसफी है, गिव मी एन एक्शन, गिव मी ए थॉट एंड आई विल गिव यू एन एक्शन। फर्स्ट स्टेज है, पहले विचार मिला, विचार के बाद क्रिया आई। गिव मी ए थॉट एंड आई विल गिव यू एन एक्शन। गिव मी एन एक्शन एंड आई विल गिव यू ए हैबिट। मनुष्य जैसी क्रिया करता है वैसी उसकी आदत बन जाती है। अगर हम जान गए तो मानेंगे, मानेंगे तो वही क्रिया करेंगे, यानी भक्ति करेंगे। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? भगवान की प्राप्ति। अगर जान गए तो भगवान की ही प्राप्ति करेंगे दिन रात, फिर पैसा वैसा भोग वोग छूट जाएगा। इसको जानना कहते हैं। फिर वही चीज क्रिया में आएगी। तीसरी स्टेज है, गिव मी एन एक्शन एंड आई विल गिव यू ए हैबिट। प्रकृति तुम्हारी बन जाएगी, स्वभाव जिसको कहते हैं, हैबिट। मनुष्य अपनी प्रकृति का स्वयं निर्माण करता है। और आखिरी स्टेज है, गिव मी ए हैबिट एंड आई विल गिव यू ए कैरेक्टर। आदत ही चरित्र बन जाती है। और चरित्र बनने के बाद क्या है? द लास्ट स्टेज है, गिव मी ए कैरेक्टर एंड आई विल गिव यू, आई विल टेल यू द डेस्टिनी ऑफ मैन। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा भविष्य है। अपने कर्मों के अनुसार हम फल पाते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है। गिव मी ए कैरेक्टर एंड आई विल गिव यू द डेस्टिनी ऑफ मैन। तो भगवान बोले, तुम अगर मुझे जान जाओगे तो शरीर छोड़ने के बाद फिर कभी नहीं मरोगे। ये आखिरी मरना होगा तुम्हारा, पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरे पास आओगे। फिर एक विचार आया मन में, ये तो बड़ा कठिन है, आपका मिलना, आपका पाना, माया का छूटना, ये तो बड़ा कठिन है। भगवान बोले, नहीं, ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सोचो बड़ा सरल है,
बड़ा इजी टास्क है। चार बटा दस में इसके बाद भगवान बोले, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। राग भय क्रोध जिसका चला गया, हम लोग संसार में पड़े हैं क्योंकि राग है, विषयों में राग है, शरीर में राग है, इंद्रियों में राग है, भोगों में राग है, प्राणियों में राग है, परिवार में राग है, ये राग ही रंग देता है मनुष्य को, उसी रंग में रंग देगा, उसी को राग कहते हैं। जिस रंग में रंगोगे, लाल रंग है तो लाल बन जाएगा कपड़ा, काला रंग है तो काला रंग बन जाएगा, सफेद रंग है सफेद बन जाएगा, उसी को राग कहते हैं। जब तुम्हारा राग चला जाएगा तब तुम मनमय, मनमय माने मुझ कृष्णमय बन जाओगे। जब कृष्णमय बन जाओगे तब तुम मेरे आश्रित बनोगे। जब तक हम लोग धनमय पैसामय हैं, भोगमय हैं, तब तक कृष्णमय नहीं आएंगे। चाहे हम साधु बन जाएं, चाहे संत बन जाएं, कृष्णमय बनने के लिए तो बिना सर्वत्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते। महाप्रभु जी कहते थे कृष्ण भजन बिना सर्वत्याग के नहीं होता है। जब तुम कृष्ण में बन जाओगे तब तुम हमारे आश्रित बनोगे। बहुओं ज्ञान तपसा, जाने कितने लोग मेरी प्राप्ति कर गए, भूता पवित्र हो गए और मेरे स्वरूप को मदभाव को प्राप्त हो गए। इसलिए ये मत सोचो कि बड़ा कठिन रास्ता है। बड़ा आसान है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस शरणागति में हो, पैसे की शरणागति में हो, तो मैं पैसे के रूप में मिलूंगा। वो पैसा मेरा ही रूप है। भोग की शरणागति में हो तो भोग के रूप में मैं ही मिलूंगा। तुम्हारी जैसी शरणागति है उसी शरणागति के रूप में मैं मिलता हूं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्जुन, संसार का हर प्राणी मेरे ही रास्ते पर चल रहा है। बोले जो पैसा चाहता है वो भी आपका रास्ता है। हां, मेरे रूप को उसने पैसा मान लिया है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा।
तो मैं पैसे के रूप में मिलता हूं। किसी ने भोग को ही सब कुछ मान रखा, कामी है तो उसको स्त्री के रूप में मैं मिलता हूं। सब रूप मेरे ही हैं। यथा मैंने जिस प्रकार की तुम्हारी शरणागति है, यत शब्द से फाल प्रत्यय करके यथा शब्द बनता है। ये थाल प्रत्यय होता है प्रकार वचने थाल। संस्कृत में जो शब्द बनता है प्रकार वचने थाल, प्रकार के रीति को बताने के लिए थाल का प्रयोग होता है। जैसे यथा, तथा, तत् शब्द से थाल हुआ उस प्रकार से। तुम जिस रूप में हमको मानोगे मैं क्या करूं, उस रूप में मैं मिलूंगा। हम साधु बन गए और पैसा को ही अपना लक्ष्य मानते हैं तो भगवान पैसा के रूप में मिल जाएगा। 2-4-10 लाख करोड़ इकट्ठा कर लेंगे बस। तुमने अपनी शरणागति पैसा रूपी भगवान को माना है तो क्या करे भगवान। तुमने अपनी शरणागति भोग में माना है तो क्या करे भगवान। संसारी चीजें जलती मिलती हैं। भगवान बोले कांक्षा कर्मणाम सिद्धिम यजंती देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सुद्धिर भवति कर्मजा। पैसा चाहोगे तो पैसा जल्दी मिल जाएगा, भोग चाहोगे तो कहीं ना कहीं स्त्री मिली जाएगी। लेकिन ये सब माया है, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो वही है जन्म कर्म च मे दिव्यम। दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म है, जहां न भगवान अभ्य आत्मा रूप में रहता है, न मरता है, न जीता है, न घटता है, न बढ़ता है। उस रूप में मुझे मानो और उसी रूप में मैं मिलूंगा। ये हम बता रहे थे कि कृष्ण हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। करोड़ों लोग आते हैं, परंपराएं चल रही हैं, बोले और भी तो धर्म है, वहां इकट्ठे होते हैं लोग, होते होंगे, लेकिन ये परंपरा अनादिकाल से चल रही है। संसार में कोई भी देश नहीं है जो कुंभ मेला की होड़ कर ले। सबसे बड़ा धार्मिक मेला यहां भारत में होता है। जाने कितने करोड़ आदमी आते हैं। सारा विश्व इसकी टक्कर नहीं ले सकता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां जो परंपराएं चल रही हैं, गांव के जो नाम हैं,
बरसाना नंदग्राम, नंदी शिवजी वहां पर पर्वत बने हैं, नंदी ग्राम का अपभ्रंश बना नंदग्राम, उसका अपभ्रंश बना नंदगांव, ग्राम का अपभ्रंश बनता है गांव। हर ब्रज का स्थल, हर गांव किसी लीला पर उसका नाम है। बहुत से नाम ऐसे हैं जो एकदम मिलते हैं, गोवर्धन, राधा कुंड, वृंदावन। औरंगजेब ने वृंदावन नाम हटा करके इस्लामाबाद रखा था और मथुरा का नाम मोमिनाबाद। चल नहीं पाया। क्योंकि उसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं था। जन्मभूमि तोड़ करके मस्जिद बनाया उसने मथुरा की। उस मंदिर को जब तोड़ा गया है तो वहां इतिहासकार लिखते हैं वो मंदिर फरिश्तों ने बनाया था, ऐसा बन नहीं सकता। जाने कितना सोना ये लोग ले गए यहां से, भारत से, मंदिरों को तोड़ तोड़ के। सोना उधर जाता है अरब कंट्रियों में, सब भारत का ही सोना है। हजारों ऊंट ढोते थे सोनाओं को। यहां ही कई धन धन पहुंचा था विदेशी व्यापार से इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इंग्लैंड के राज सिंहासन पर जो मुकुट है उसमें अब भी कहते हैं जो संसार का सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर, वो वहां उसके मुकुट में लगा हुआ है। ये भारत का ही था, इसलिए भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहते थे लोग, द गोल्डन बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। यहां का ही धन पहुंचा सब जगह चारों ओर। विदेशी लोग हिंदुस्तान में क्यों आए? व्यापार करने आए थे, एक दुकान मिल जाए हमको यहां भी इंडिया की मार्केट में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? व्यापार करने आई थी। इन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है वो जानते हैं, व्यापार करते करते यहां के राजा बन गए। जो भी विदेशी शक्ति राजा बनी है वो कोशिश करते ही भारतीय धर्म का नाश हो जाए, इस संस्कृति का नाश हो जाए। और सैकड़ों जातियों ने हमला किया भारत में, हजारों वर्ष गुलाम रहा। दुनिया का कोई देश इतना गुलाम नहीं रहा जितना कि भारतवर्ष रहा। ये गुलामी चल रही है ईसा के बहुत पहले से। शक, कुषाण, हूण, ये सब विदेशी
विदेशी जातियां थीं। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है वो जानते हैं, कुषाण वंश का भी राज्य रहा, हूणों का भी राज्य रहा, शकों का भी राज्य रहा, उसके बाद मुसलमान लोग आए गोरी के समय, मोहम्मद गोरी के समय। गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोदी वंश आया, मुगल वंश आया, मुगल के बाद फिर अंग्रेज लोग आ गए, बीच में पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज गायना, फ्रेंच गायना, यूरोप की कई जातियां आई हैं, क्यों भारत सोने की चिड़िया है, इस पर कब्जा करें। लेकिन भारतवर्ष का नाश नहीं हुआ, इस बात को मुसलमानों ने भी दिखा है। यूनान मिश्र रोम सब मिट गए जहां ते, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात क्या है। यही बहीन गांव है ब्रज में ही, वहां काना जाट को जिंदा जलाया गया। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को दीवाल में चिनवा दिया। शीशगंज गुरुद्वारे में सिखों के गुरु थे, उनको तेल के गरम कढ़ाई में डाला गया। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने, मुसलमानों ने। लेकिन आज भी ब्रज यात्रा चल रही है, ब्रज है, ब्रज चल रहा है, और ब्रज का नाश नहीं होगा। बिना भगवान की कृपा के कोई ब्रज में नहीं आता, इसीलिए मैंने सबसे पहले सब यात्रियों को प्रणाम किया कि भगवान की कृपा हुई है जब आप लोग आए हैं ब्रज में। कितनी दूर से आए हैं, कोई बंगाल से, कोई गंगा सागर से, कोई पश्चिमी, कोई पूर्वी बंगाल से भी ये लोग आते हैं, कोई कोई नेपाल से आते हैं। सबसे बड़ी यात्रा है ब्रज की इस समय, जबकि उम्र में सबसे छोटी है, लगभग 88 से शुरू हुई थी यात्रा, जब हर साल नहीं चलती थी, तीसरे साल चलाते थे हम लोग। कोई साधन नहीं था उस जमाने में, कहीं तंबू नहीं, रोशनी नहीं, बर्तन नहीं, रसोई नहीं। एक विचार आया था कि मान मंदिर से यात्रा शुरू की जाए, पैसा नहीं, मान मंदिर में कोई प्रॉपर्टी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कोई बैंक नहीं, अकाउंट नहीं, जब पहली यात्रा निकली थी तो कुछ आदमी थे 15-20, यहां से घंटा बजाते हुए निकले, एक बेला था कांसे का, तो जब हम लोग जा रहे थे
पहला पड़ाव बरसाने में था बरेली धर्मशाला में, तो लोग हंस रहे थे, ओहो यात्रा जा रही है, यात्रा जा रही है, मजाक बना रहे थे। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है, गंगा निकलती है गंगोत्री से, पतली धारा गोमुख से, और वही गंगा फिर एक विशाल नदी बन जाती, भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी बन जाती। उसी तरह से ये यात्रा है राधा रानी ब्रज यात्रा। जब चली थी शुरू में तो हमें याद है लोग हंसते थे, गर्मियों में चलती थी, तंबू नहीं थे, बर्तन वर्तन कुछ नहीं था। हमने कहा था सत्तू पिसा दो भाई, हम भी सत्तू खाएंगे, हर यात्री सत्तू खाएगा। सतुआ में कुछ नहीं लगता है, पानी में घोरा और चाट लो। 11 मन सत्तू पिसाया गया था, 1 महीने तक सब लोग सत्तू खाएंगे। जब कोई बाहर का यात्री नहीं रहता था, आज तो बंगाल के लोग हैं, इनको चावल पहले चाहिए। कल एक फोन आया था, शाम को शायद उठाया था उन्होंने, माधवी शरण ने, हम लोग इंदौर से इस्कॉन से आ रहे हैं, 90 आदमी हैं, 11 बजे पहुंचेंगे दोपहर में, क्या भोजन मिलेगा? तो इन्होंने उत्तर दिया, हम सुन रहे थे, आप राधा रानी के दरबार में आ रहे हैं तो क्या आपको भोजन नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग देर पहुंचेंगे भाई, हमारे यहाँ इस्कॉन का नियम है कि टाइम से बाहर फिर नहीं मिलता है। इन्होंने कहा कि आप रात में आओगे तो रात में मिलेगा। बोले क्या मिलेगा? नया आदमी घबराता है कि भाई बिना पैसे की यात्रा है तो भूखा तो मार देंगे क्या? ऐसा तो नहीं बिना पैसे की यात्रा है तो सबको भूखा रख दे? अरे हमने पैसा दिया नहीं दिया है तो हमारा क्या अधिकार है? इन्होंने कहा रोटी मिलेगी, दाल मिलेगा, साग? बोले हाँ साग मिलेगा। चावल? बोले हाँ चावल मिलता है। अच्छा तो हम 12 बजे पहुंच रहे हैं। बोले आप रात में आओ, दिन में आपको भोजन मिलेगा, ये राधा रानी का दरबार है। हम सुन रहे थे और सोच रहे थे भाई इनका सोचना सही है, इतनी दूर से आ रहे हैं और पैसा एक नहीं ले रहे हैं लोग, हो सकता है कि व्रत करना पड़े। यात्रा जब उठी थी तो यही हालत थी, बर्तन नहीं थे, बाल्टियां नहीं थी। कुछ बाल्टियां मथुरा में खरीदी गई थी, वो किसी ने ले दिया था, नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं था बाल्टी खरीदने का। बिछाने का कुछ नहीं था, तंबू नहीं था, पेड़ों के नीचे पड़े रहते थे, लू चलती थी और उसमें सब यात्री चलते थे। उस जमाने में जो आनंद आता था उसका वर्णन नहीं हो सकता। थोड़े से लोग थे, कपड़ा नहीं, कुछ तंबू नहीं, तना नहीं, गर्म लू में जा रहे हैं, पेड़ों के नीचे पड़े हैं, लेकिन कीर्तन चलता था। हमने कहा था देखो भाई
तुम पैसा वैसा मत दो, अब भी कहते हैं किसी का एक पैसा हमको नहीं चाहिए। रुपया तो बड़ी बात है, पैसा भी नहीं चाहिए, कौड़ी भी नहीं चाहिए। तुम देते हो तो अविनाशी धन दो, कीर्तन करो, भगवान नाम लो, भगवान नाम लो और भगवान नाम दो, न पैसा लो न पैसा दो। इसी सिद्धांत ने यात्रा को इतना बड़ा रूप बना दिया। और इसी भगवान नाम के प्रभाव से आज यात्रा में सब सुविधाएं हैं, चावल भी है, दाल भी है, रोटी भी है, लोग पूछते हैं सब्जी मिलेगी, साग भी है, सब कुछ है, टेंट भी है, तंबू भी है, रोशनी भी, किसी जमाने में रोशनी नहीं थी, रात को सब अंधेरे में रहते थे। पिसाए में जब यात्रा कुछ दिन बाद पहुंची तो लोगों ने कहा यहां सर्प बहुत है, लेकिन अंधेरे में सब लोग रहते थे। आज तो लाइट भी है, रोशनी भी है, ये सब भगवान के नाम की कृपा है। और सही इरादे होते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ा जो हमको धन मिला, हजारों गांव में कीर्तन के फेरियां चल पड़ी, क्योंकि हम यात्रियों से केवल भगवान नाम मांगते हैं। और बहुत से यात्रियों ने ये धन दिया हमको, अपने गांव में जाकर के कीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन, नगर फेरी। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे कीर्तन भी बढ़ रहा है। हम ये मांगते क्यों हैं? इसलिए मांगते हैं कि हमको 62 ईयर्स, 62 वर्ष हो गए यहां। इस 62 वर्ष में ब्रज का विनाश ही देखा हमने। कई पार्टियां आई, कांग्रेस ही नहीं, किसान मजदूर पार्टी बनी, जाने क्या क्या पार्टियां, गवर्नमेंट बदली, 20 गवर्नमेंट बदल गई हमारे सामने 60 साल में। और सबने ब्रज का नाश ही किया। यहां के सब सरोवर नष्ट हो गए, सब बन कट गए, पहाड़ टूट रहे थे, यहां तक कि जमुना जी तक दूषित हो गई। जो जमुना भारतवर्ष की शान थी उसको हम लोगों ने मलमूत्र की नदी बना दिया। हजारों क्रशर थे पहाड़ों को तोड़ने वाले। तब ठाकुर जी ने सोचा मानगढ़ को कि तुम लोग उठो। और सबसे बड़ी लड़ाई थी गहवरबन की, ये बिक गया था 4 लाख रुपए में। इसकी फाइट शुरू हुई और 46 साल के बाद लड़ाई में विजय मिली। गहवरबन बचा, सुरक्षित हुआ। न जैसे वृंदावन में एक भी बिल्डिंग है, बन कुछ नहीं है। राधा कुंड में केवल बिल्डिंग है, बन कुछ नहीं है, जबकि किसी समय बंद था।
महाप्रभु जी आए हैं तो वहाँ एक खेत में खड़े होकर के उन्होंने बताया था यहाँ राधा कुंड है। सब गायब हो गया था। आज वहां एक पेड़ नहीं है, बिल्डिंग है बहुत सी। राधा कुंड का जल भी गंदा हो गया क्योंकि नीचे इतनी लैट्रिन है उनका, आसपास बिल्डिंग है कि उसका संबंध नीचे से है। अमृतमय जल था राधा कुंड का। अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उतनी लैट्रिन है चारों ओर और उनका संबंध है जमीन से। मानसी गंगा दूध की बनी थी लोग कहते थे, दुग्धमयी मानसी गंगा, और चारों ओर मकान हैं, लैट्रिन हैं, तो उसका पानी भी दूषित हुआ। जब जमुना जी दूषित हो गई हैं, अमृतमयी जमुना, तो ये कैसे सुधरे स्थिति? कोई पार्टी तो सुधार नहीं सकती। तो केवल भगवान का ही आश्रय लिया गया। भगवान का नाम लो, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गांव गांव में कीर्तन की फेरी चलाई गई। हमारा विश्वास है, हम ये नहीं कहते हमारा पूरा विश्वास है, हम भी जीव हैं छोटे से, लेकिन आशा रखते हैं कि भगवान नाम से सब काम हो जाता है। और हुआ, पहाड़ों की लड़ाई भी जीते हम लोग प्रभु की कृपा से। गैबर बन भी सुरक्षित हुआ। जमुना आंदोलन शुरू किया गया यहीं से। और चल रहा है, ठंडा नहीं है। कोई काम देर में सिद्ध होता है, जैसे पहाड़ों की लड़ाई 50 साल के बाद जीते हम लोग। यमुना भी एक दिन अवश्य आएगी उसी निर्मल धारा उसके साथ। क्यों आएगी? इसलिए आएगी कि हमारी यात्रा हमारी तो नहीं, तो मान बिहारी लाल की है। ये एक बड़ा भारी यज्ञ है, साधारण यज्ञ नहीं है। हम ये जानते हैं कृष्ण कृपा से, केवल भगवान की कृपा से, नहीं तो पैसा ऐसी चीज है कि उसको देखते ही मान मनुष्य मोह में पड़ जाता है। जब तक हमारा ये लक्ष्य है, यात्रा में पैसा लक्ष्य हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि सब भक्त लोग हैं, आप लोगों की सेवा हमारा लक्ष्य है। देखो, एक श्लोक सुनाते हैं हम तुमको। सिद्धिर भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनाम। भगवान की सेवा में संशय है कि सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिद्धिर भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनाम। निस्संशयस्तु तद भक्त परचा परचर्या रतात्मनाम। भक्तों की सेवा में निश्चय सिद्धि मिलती है।
भगवान की सेवा में तो संशय है, ये पुराण का वाक्य है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक यात्रा चल रही है, एक दिन यात्रा के बीच में ही गहवर वन की विजय आई, यात्रा के बीच में पहाड़ों की विजय आई। ये यात्रा जब तक निःशुल्क रहेगी तब तक विजय मिलती रहेगी। हम पैसा भगवान की कृपा से न लक्ष्य रखते हैं न रखेंगे, गारंटी नहीं देते, क्योंकि भगवान की माया से कौन लड़ सकता है। भगवान की कृपा से ये चीज विचार आते हैं, नहीं ये विचार माया नष्ट कर देती है। माया महा ठगिन हम जानी, तिरुगुण फांस लेकर डोले बोले अमृत बाणी, मंदिर में मूर्त है बैठी तीर्थ में भई पानी। इस माया से कौन बच सकता है। केशव के कमला हो बैठी शिव के भवन भवानी, कहें कबीर सुनो काऊ के जोगिन हो बैठी काऊ के कौड़ी कानी, कहें कबीर सुनो भाई ये साधो, ये सब अकथ कहानी है। भगवान की कृपा से ही ये सब विचार आते हैं। ये विचार अगर बने रहे तो निश्चय ही जमुना ही नहीं सारे देश में एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि परिवर्तन शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। जिस कांग्रेस ने कुचला था धर्म को वोटों के लोभ में, और जिसकी संभावना कभी नहीं थी ये जाएगी, वो कांग्रेस इलेक्शन में चली गई। इसलिए भगवान की कृपा से परिवर्तन संभव है, और उस कृपा के लिए हम चाहते हैं कि हर यात्री अपने गांव में जाकर के भगवान नाम का प्रचार करे और फिर से बंगाल को जगा दो। किसी समय महापुरुष जी ने जगाया था, ऐसा हर यात्री सोच लेगा तो बदल जाएगा देश। जय श्री राधे। Yeah.